हेलो बच्चों, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी में। और क्या चीज़ पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? या तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? बच्चों, आप लोग को पता है, लास्ट चार लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, लिमिट, उस लिमिट को हम लोगों ने रिवीजन किया। एक्चुअली लिमिट जो था वो हमारे 11th के सिलेबस में है, लेकिन कंटिन्यूटी जो चैप्टर है उसमें लिमिट का जानना जरूरी है। मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने लास्ट चार लेक्चर तक लिमिट जो आपने पढ़ा था 11th में, उसको रिवीजन किए, और जो बच्चा नहीं भी पढ़ा था उसके लिए भी हेल्पफुल रहा। तो बच्चों, अब हम लोग जो हमारा मेन चीज है कंटिन्यूटी में, जो हमें पढ़ना है, उस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, एंड दिस इज फॉर क्लास 12th। क्लास 12th बच्चों, ये कंटिन्यूटी जो है इससे हमारे बोर्ड के एग्जाम में लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का देगा जैक बोर्ड में, और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है, या तो 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी सबसे पहला चीज आता है सर, कि वर्ड कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सबके दिमाग में, आपका, हमारा, या कोई भी स्टूडेंट्स है उसके माइंड में यही चलता है कि सर ये कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूअस की डेफिनेशन की बात करेंगे। यानी कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? ठीक है बच्चों, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा अगर उस फंक्शन का ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो। कहीं पर भी क्या नहीं हो? ब्रेक नहीं हो। तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग अगर डालें, व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ये जानना बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो जानते, कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग में बात करें तो लगातार। कंटिन्यूअस का हिंदी मीनिंग में क्या बोले हम लोग? लगातार। यानी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी अगर ब्रेक नहीं हुआ हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन? या फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। यानी फंक्शन जहां से जहां तक डिफाइंड है वहां तक में, उसके ग्राफ में अगर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को बच्चों हम लोग लिख लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन या फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक, इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन।
फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा अगर उसका ग्राफ जो है उसमें कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं है। या तो हम लोग बच्चों ये भी बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है कि अगर फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते टाइम अगर हम लोग का पेन जो है अगर पेपर से कहीं उठाते नहीं है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने दो बात बोला, एक तो जो आपका यहां लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ योर फंक्शन इन इट्स डोमेन। यानी कहने का मतलब जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ देखें अगर वो कहीं पर भी उसमें ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक का मतलब टूटा हुआ नहीं है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर अगर ड्रॉ कर दें तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। या फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए हम लोग इस चीज को ग्राफ से समझते हैं, इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक काम करते हैं, आप ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। देखो मैं यहां कुछ ग्राफ इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। फर्स्ट नंबर, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। अगर बच्चों हम यहां ग्राफ ड्रॉ करें, एक ग्राफ मैंने सपोज दैट ऐसे ड्रॉ कर दिया यहां पर, अब बताओ ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं पर हम लोग हमने मार्कर उठाया क्या बोर्ड से, नहीं उठाया। तो ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा, सपोज दैट y इक्वल टू fx का ग्राफ है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस डोमेन में, मतलब जहां से जहां तक ग्राफ है वहां तक एकदम पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन आप देखो दूसरा एग्जांपल, एक मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखो, एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस। अब मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से देखना क्या सिचुएशन होता है। एक ग्राफ हमने ऐसा ड्रॉ किया इस तरह से, हुआ क्या, इस ग्राफ को जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो यहां देखो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक लगा, ये होलो सर्कल ग्राफ का टूटे हुए पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। होलो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कि ग्राफ वहां पर टूटा हुआ है। यानी फंक्शन का वैल्यू यहां पर हम लोग को अगर ग्राफ से समझें तो यहां पर हम लोग को इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहां पर मार्कर उठाना पड़ा। क्या करना पड़ा, अपना मार्कर यहां से उठाना पड़ा। आप तो यहां देख सकते हो कि यहां पर ग्राफ जो है टूटा हुआ है, और मान लेते हैं जिस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है वहां x का वैल्यू सपोज दैट x इक्वल टू ये है, यहां पर ग्राफ टूट गया, ये y इक्वल टू fx फंक्शन है। ये भी देखो नेक्स्ट देखो आप नेक्स्ट थर्ड नंबर समझो, ये x एक्सिस और इधर हमने y एक्सिस, यहां पर देखो ये ग्राफ आया, ये चीज यहां पर भी देखो ग्राफ ऐसे भी टूट गया, यहां से यहां तक गए, फिर यहां देखो ब्रेक हो गया, फिर ऐसे गया। और ये ग्राफ जो टूट गया है, मान लेते हैं ये ग्राफ अगेन बच्चों एक्स इक्वल टू ये पॉइंट पे टूटा हुआ है, एक्स इक्वल टू ये पॉइंट पे ब्रेक हुआ है। इसी तरह बच्चों हम एक और ग्राफ आपको दिखाते हैं, फोर नंबर, वाई एक्सिस हो गया आपका और ये एक्स एक्सिस हुआ, दिस इज ओरिजिन। अगर हम ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें केवल ऐसे,
यहां भी ग्राफ देखो बच्चों टूट गया, होगी ये और ये दोनों तो सेम है सर। नहीं बच्चों, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर x इक्वल टू ये पर फंक्शन का कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू ये पर फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं। x इक्वल टू ये पर यहाँ फंक्शन का वैल्यू नहीं है बच्चों। फिफ्थ नंबर अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखना क्या होगा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। एक मैं ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो इस तरह से आया, फिर पेन लूट गया, फिर यहां देखो ये पेन इस तरह से, तो ये भी देखो x इक्वल टू ये पर ग्राफ टूटा हुआ है। एक और मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चों, सिक्स नंबर, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं सिक्स नंबर। आप ध्यान से देखो क्या होने वाला है सिचुएशन, क्या सिचुएशन होगा। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड ऑरिजिन। मान लेते हैं x इक्वल टू ये पॉइंट जहां पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये यहां पर भी ये ग्राफ देखो, यहां से यहां ड्रॉ किया, फिर यहां ब्रेक हो गया, फिर ऐसे। तो आप एक चीज देखो बच्चों कि जो पहला ग्राफ है उसको छोड़ करके जितने भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, सभी ग्राफ में हम लोग को क्या करना पड़ा, ड्रॉ करते टाइम इस मार्कर को उठाना पड़ा। जैसे ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, यहां मार्कर उठा करके फिर यहां चलना पड़ा, इसी तरह से इसको भी ड्रॉ किए तो यहां मार्कर हमें छोड़ना पड़ा, यहां भी हम लोग को मार्कर उठाना पड़ा, कहां से हमको उठाना पड़ा मार्कर, कहां से, बोर्ड से, यहां भी मार्कर को उठाना पड़ा बोर्ड से, इसमें भी उठाना पड़ा। तो ये इस ग्राफ को छोड़ करके, इस ग्राफ को छोड़ करके बाकी जो भी ग्राफ है वो देखो एक्स इक्वल टू ये पॉइंट पे टूटा हुआ है। इस ग्राफ को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ एक्स इक्वल टू ए पर टूटा हुआ है, यानी बाकी फर्स्ट ग्राफ को छोड़ करके बाकी ग्राफ जो है वो उस फंक्शन का है जो कंटिन्यूअस नहीं है, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डिसकंटिन्यूअस। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिसकंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। उस फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों पहला जो ग्राफ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो फर्स्ट ग्राफ है आप देखो, वो फर्स्ट ग्राफ को अगर छोड़ दो तो बाकी जो ग्राफ है वो टूटा हुआ है, बाकी सारे ग्राफ क्या हुए, ब्रेक है। x इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन, ये ग्राफ जो टूट गया x इक्वल टू ए पर, यहां भी टूटा हुआ है, यहां भी टूटा हुआ है, यहां भी टूटा हुआ है और यहां भी टूटा हुआ है। मतलब बच्चों इस ग्राफ को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्राफ हैं उस सभी ब्रेक हैं, और ये सभी ग्राफ उस फंक्शन के हैं जो डिसकंटिन्यूअस है, और ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस। तो यहां पर मैं लिख दूं आपके लिए कि ये जो फंक्शन है ये दिस इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये ब्रेक हो गया यहां पर, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, सिक्स नंबर डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस हुआ बच्चों, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, और ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो केवल जो फर्स्ट ग्राफ है इसको छोड़ करके सारे जो ग्राफ हैं वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के हैं। तो व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं हो, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन का ग्राफ एकदम लगातार है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन क्या मैथमेटिक्स में केवल इतना ही से चल जाएगा भाई, हम लोग को तो प्रूव करना पड़ेगा ना। जैसे ये फंक्शन कहां टूट गया, x इक्वल टू ए पे टूटा हुआ है, जितना भी ये ग्राफ है वो x इक्वल टू ए पर टूटा हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। अगर बोले बढ़िया से तो ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर, ये भी कहां डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये वाला फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है, ये कहां डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर, ये भी है x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां पर अगर मैं इसी तरह से पॉइंट x इक्वल टू ए डिफाइन कर दूं,
तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, x इक्वल टू ये जैसा लिया उसमें उसी तरह इस सब में ही ले लिया मैंने। चलो अब थोड़ा सा हम मैथमेटिकली सोचते हैं कि अगर ये फंक्शन यानी हम अब डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट। जैसे ये फंक्शन जो है x इक्वल टू ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब कोई ब्रेक नहीं है। यहां पर x इक्वल टू ये पे ब्रेक हो गया ग्राफ में, इसमें भी ब्रेक है x इक्वल टू ये पर, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो फंक्शन है जिसका ग्राफ 2, 3, 4, 5, 6 में जो ड्रॉ किया गया है वो सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू ये पर। और ये हम लोग कैसे कह रहे हैं कि वहां पर ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब हम लोग ना फोटो देख करके ये बता दे रहे हैं कि ये फंक्शन यहां टूटा हुआ है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एक्स इक्वल टू ए पर। तो अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे उसके डोमेन में। अगर ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है जहां पर ग्राफ टूटा हुआ है। सपोज दैट एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू बी पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हम मैथमेटिकली किसी पॉइंट पे कैसे बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या तो कोई फंक्शन इस इंटरवल से मतलब किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको कैसे बताएंगे मैथमेटिकली। ग्राफ से तो एकदम क्लियर दिखता है, तो ऐसा नहीं ना कि हम सारे फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, तो हमको मैथमेटिकली भी सारे फंक्शन मतलब कुछ भी दे दिया तो उसका ग्राफ हम अगर तुरंत ड्रॉ कर पाएंगे तभी ना हम बता देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन आप लोग जानते हो कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनाए जाते हैं जिसका ग्राफ हम आसानी से तुरंत ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, टेक्निक होता है ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तुम लोग चेक भी नहीं कर पाएंगे तुरंत कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। सेकेंड चीज, जो बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है क्वेश्चन उसमें तो हम लोग ग्राफ से सॉल्व करके दिखाते नहीं है, ग्राफ से हम लोग केवल कहां पर आईआईटी जेई वगैरह में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग को मैथमेटिकल तरीका भी आना चाहिए किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। चलिए बच्चों, आप लोगों को यहां पर यूज करना है लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट 4 क्लास तक लिमिट पढ़ाया। अगर बच्चों यहां पर बात करें एक्स इक्वल टू ये पर, तो एक्स इक्वल टू ये, ध्यान देना एक्स इक्वल टू ये, अब ये से जस्ट बाद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें ए प्लस पे, तो ए प्लस पे जो फंक्शन का वैल्यू है वही ए माइनस पे है और वही चीज फंक्शन का वैल्यू ए पर भी है। अब ये बात उसी को समझ में आएगा जो हमारे लेक्चर लिमिट स्टार्टिंग से देखा होगा, ठीक है, यही कंटिन्यूटी में। तो अगर देखा जाए बच्चों ये प्लस पे, अगर जूम करके देखो, मान लेते हैं यहां ये प्लस पे है, तो ये प्लस पे जो वैल्यू है फंक्शन का ए प्लस पे, और ये माइनस पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो लगभग, और ये पे सभी लगभग क्या है, बराबर है। ये प्लस पे, दिस इज ए प्लस एंड दिस इज ए माइनस, और यहां पर ये पर, तीनों पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। अनि इस केस में हो क्या रहा है कि एफ ए प्लस इक्वल टू, तो एफ ए माइनस पहले, एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए प्लस और इक्वल टू एफ ए हो रहा है। अगर फर्स्ट में देखो आप, फर्स्ट ग्राफ में, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि फंक्शन का वैल्यू ए के जस्ट बाद, जैसे मान लेते हैं एल है, ए के जस्ट बाद एल है, तो फंक्शन का वैल्यू ए के जस्ट पहले भी एल को ही अप्रोच कर रहा है और फंक्शन का वैल्यू ए पर भी एल को ही अप्रोच कर रहा है। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए तो यहां पर अगर ये देखो ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम मैथमेटिकली ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट पे इक्वल है, उसी पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। क्या चीज है, इक्वल है।
तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होगा। यहां यह सिचुएशन आया। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें, फंक्शन का वैल्यू जैसे यहां पर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बात करें यहां पर आ रहा है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन का वैल्यू तो इक्वल है, लेफ्ट और राइट इक्वल है। लेकिन देखो ये पर फंक्शन का वैल्यू यहां पर दे रहा है, यहां पर एक्स इक्वल टू ये पर फंक्शन का वैल्यू यहां पर दे रहा है। ग्राफ तुम लोग को देखने आता है कि नहीं? तो एक्स इक्वल टू ये पर फंक्शन का वैल्यू यहां दे रहा है। तो ये यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एफ ए माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू एफ ए। यहां पर यह सिचुएशन आया। अगर मैथमेटिकल सिचुएशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन का वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए पर, वही राइट हैंड साइड में भी है। यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फंक्शन का वैल्यू, लिमिट का जो वैल्यू आया वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन इज एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है, अगर हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से बात करें तब। और ग्राफिकल से तो क्लियर दिख रहा है कि ग्राफ टूट गया है। यहां पर भी बच्चों इस ग्राफ में देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां पर है ये दे रहा है और राइट हैंड लिमिट ये दे रहा है। इस ग्राफ के सिचुएशन की बात करें हम लोग, तो यहां से हम लोग को क्या दिख रहा है यहां पर कि एफ ये माइनस और एफ ये दोनों बराबर है, मतलब फंक्शन का लेफ्ट हैंड वैल्यू, फंक्शन का लेफ्ट हैंड वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर भी, एक्स इक्वल टू ए पर देखो यहां डार्क लगा हुआ है, तो एक्स इक्वल टू ए पर भी फंक्शन का वैल्यू वही है जो लेफ्ट हैंड में, लेकिन ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट के लिए बराबर नहीं है। यहां पर हम लोग को ये चीज दिख रहा है नॉट इक्वल टू राइट हैंड। यहां पर देखो बच्चों, यहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट है, लेकिन इसमें क्या चीज है कि एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है। यहां पर एक्स इक्वल टू ए पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट एफ ए डज नॉट डिफाइंड। तो इज नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। यहां पर क्या हुआ इस ग्राफ में कि राइट हैंड में भी फंक्शन का वैल्यू है और दोनों इक्वल है, और लेफ्ट हैंड में भी फंक्शन का वैल्यू है, लेकिन एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब फंक्शन यहां पर डिफाइंड नहीं है एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, इस सिचुएशन में देखो बच्चों, यहां पर भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL यहां भी इक्वल नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ बात बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, यहां भी देख सकते हैं ग्राफ टूट गया है। यहां पर देखो LHL और RHL बराबर है, लेकिन ये दोनों किसको अप्रोच कर रहा है, ये दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और x इक्वल टू ए पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, x इक्वल टू ए पर फंक्शन ये भी डिफाइंड नहीं है, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो एक चीज ऑब्जर्व आ रहा है कि यहां देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, एक्स इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू आया, जो लिमिट का वैल्यू आया, वो फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पर बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली तभी बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर होगा। इस ग्राफ से, जितने भी ग्राफ है यहां से हम लोग ऑब्जर्व करके ये कंक्लूजन निकाले हैं, ये कंक्लूजन पर पहुंचे हम लोग कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तब हम फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बोलते हैं।
दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि लिमिट को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तब हम कंटिन्यूअस के बारे में सोचेंगे, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूटी के बारे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगा। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस एट अ पॉइंट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, देन उस फंक्शन का लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a इज ऑलवेज एग्जिस्ट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात बच्चों नोट करने वाली बात है। और दूसरी बात कि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, कंटिन्यूटी की बात हम तभी करेंगे अगर वह फंक्शन नेबरहुड में डिफाइंड है। तो बच्चों आप इसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा आप क्या करना, ये ग्राफ बनाना, फिर इसके नीचे ही लिख लेना इस चीज को, फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना और इस चीज को इसके नीचे लिख लेना, फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना और ये नीचे लिख लेना, इस तरह से नीचे क्लियर लिखना और ग्राफ धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉ करना और सारी चीज लिखते जाना, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग राइट कीजिए, कॉपी कीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग कंटिन्यूटी में आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ से भी समझा था और हम लोग कंक्लूजन में ये पहुंचे थे कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन में, उसके जो एक्सप्लेनेशन था कंटिन्यूटी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोग इस चीज पे पहुंचे हैं कि कोई भी फंक्शन जो है उसके कंटिन्यूटी का डिस्कशन हम तभी करेंगे अगर वह फंक्शन अपने नेबरहुड में डिफाइंड है। अगर फंक्शन कहां डिफाइंड है, नेबरहुड में डिफाइंड है। तो बच्चों अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक नोट लिख लीजिए, लिखिए इट इज नोटेड दैट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कैन बी डिस्कस्ड एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, नॉट नेसेसरली एट एक्स इक्वल टू ए। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे हम तभी डिस्कस करेंगे अगर वह फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइंड हो। जैसे अगर हम कोई ग्राफ को कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस, एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज ऑरिजिन। किसी फंक्शन का मैं ग्राफ की डिस्कशन करने जा रहा हूं, वाई इक्वल टू एफ एक्स का। इस फंक्शन का वैल्यू जीरो पे, ऑरिजिन पे जीरो है, और फिर इधर ये रहा और मान लेते हैं इधर ये है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम लोग यहां डिस्कस करा जाए कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस करें या नहीं करें, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो के राइट हैंड साइड में ग्राफ नहीं है, जस्ट राइट हैंड साइड में ग्राफ नहीं है, और x इक्वल टू जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड में भी ग्राफ नहीं है। और अगर ग्राफ जस्ट राइट साइड में नहीं है
और जस्ट लेफ्ट साइड में नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है राइट हैंड साइड में और ना तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइंड है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वी कैन नॉट डिस्कस, वी कैन नॉट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्यों डिस्कस नहीं कर सकते हैं? बिकॉज बिकॉज द फंक्शन, द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूटी का डिस्कशन हम लोग करेंगे ही नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों जो मेन चीज है इंपॉर्टेंट जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या चीज? कंटिन्यूटी। हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट अ पॉइंट, ये हेडिंग लिखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा किसी पॉइंट x इक्वल टू ये पर। हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट योर पॉइंट। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा बच्चों, इस चीज को जानना है। यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए एफ। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा कहां पर? x इक्वल टू ए पर। कब होगा देखते हैं, कब होगा बच्चों? लास्ट लास्ट में जो आप लोगों ने डिस्कशन करा था, हम लोगों ने डिस्कशन करा था, एक ग्राफ ड्रॉ किया था, एक कंटिन्यूअस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया जैसे ये वाला है, और हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कहां पर? पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करना है हमें कंटिन्यूटी। तो आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन का वैल्यू, अगर कंटिन्यूटी ए पे चेक करना है तो आप देखो ग्राफ से फंक्शन का वैल्यू ए पर, मान लेते हैं फंक्शन का वैल्यू ए पर एल है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, और फंक्शन का वैल्यू ए प्लस पे भी, ए प्लस का मतलब जानते हो ना, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये मान लो ए प्लस है आपका, ये ए प्लस है, जूम करके दिखा रहा हूं, ए प्लस भी वैल्यू क्या आ रहा है? एल आ रहा है, और ये माइनस, थोड़ा इधर भी जूम कर दें, ये ए माइनस हो गया मान लो, तो ए माइनस में भी फंक्शन का वैल्यू क्या आ जा रहा है? एल। ये जो आप देख लो ना, इतना गैप, इतना गैप नहीं है, जैसे आप कैमरा लगाओ और जूम करके देखो, जूम करके देखते हैं ना, तो एकदम ये समझो इतना नजदीक है ना ये और ये प्लस, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कैसे नहीं सोच सकते हो? आपको बताया था टू प्लस का मीनिंग क्या हुआ, 2.00000001 इस तरह से। टू माइनस का मीनिंग क्या हुआ, 1.99999999 इस तरह से। तो आप समझ सकते हो ये प्लस ये के कितना नजदीक है और ये माइनस ये के कितना नजदीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? एल के इक्वल। यानी हो क्या रहा है कि एफ ये माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जानते हो आप लोग, और एफ ये प्लस किसके इक्वल आ रहा है? एफ ये के इक्वल आ रहा है। कब, कहां पर? एक्स इक्वल एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर, और फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर, ये पर फंक्शन का ग्राफ टूटा ही नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? और भाई आप लोग को पता है ना कि अगर एफ ए माइनस बराबर एफ ए प्लस हो गया तो इसको दोनों को मिला करके हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो गया। यानी क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका वैल्यू निकलेगा, लिमिट का नोटेशन ये चीज होता है, लास्ट चार पांच लेक्चर से आप यही देख रहे हो। तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर अगर लिमिट, अगर लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स बराबर किसके इक्वल आ जाए? एफ ए के इक्वल, और ये फाइनाइट वैल्यू हो जाए।
क्या हो जाए, फाइनाइट वैल्यू। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ये एफ एक्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, आर इक्वल टू ये एफ ए तो है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख दू एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए प्लस आर इक्वल टू एफ ए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, फाइनाइट के इक्वल। और आप लोग को पता है कि ये एल एच एल जो है, एल एच एल बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, आर एच एल, इसको और ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए, एंड दिस इज फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कहां पर, पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर, अगर ये पर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ए हो जाए, तो फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है। अन इन शॉर्ट फॉर्म में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। तो बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को लर्न हुआ कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कब कंटिन्यूअस होगा, अगर वह फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो जाए तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। और थोड़ा सा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं दिखाता हूं, इसको साफ करूंगा, तो ये ड्रॉ कर लो है ना समझने के लिए। आप लोग को पता है बच्चों कि एल एच एल, फिर से मैं बता देता हूं, एल एच एल ये जो एफ ए माइनस है ये एल एच एल है, और इसको लिखने का तरीका लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स लिखते हैं, और अगर डायरेक्ट h टेंड्स टू जीरो में लिखना हो, क्योंकि h टेंड्स टू जीरो में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो बना दे, h टेंड्स टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, जब हम यहां h टेंड्स टू जीरो लिखेंगे लिमिट, तो x के जगह पर आ जाता है ये माइनस h, ये है ना, इसके जगह जीरो आया, तो इस x के जगह पर क्या आ जाता है, ये माइनस h। और राइट हैंड लिमिट होता है, आप लोगों को पता है बच्चों कि एफ ए प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस ऐसे लिखते हैं एफ एक्स, अगर हम लोग ये ए प्लस को x टेंड्स टू ए प्लस को h टेंड्स टू जीरो के फॉर्म में लिखें, तो ये x जो है x के जगह पर रिप्लेस हो जाता है ये प्लस एच। ये क्या चीज है जहां पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, बढ़िया से कॉपी कर लो, ठीक है, और मैं साफ करता हूं इसको, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। भाई जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, ठीक है, और एकदम अगर कंटिन्यूटी पढ़ना है